एहसान फरामोश की अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि फलक जब कबीर के साथ वापस आने से इनकार कर देती है तो तौकीर भी कबीर की हालत को देखकर काफ़ी परेशान होता है। तौकीर से अपने भाई की हालत देखी नहीं जाती और तौकीर फैसला करता है कि मैं आलिया को लेकर अलग घर में शिफ्ट हो जाऊंगा। इससे कबीर और फलक के रिश्ते में जो दूरियाँ हैं आलिया की वजह से वो ख़त्म हो जाएंगी। तौकीर भी कबीर को समझाता है कि तुम्हें और फलक को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और तुम फलक को वापस ले आओ क्योंकि हम इस घर से जा रहे हैं। उधर फलक जो कि अब कबीर के बजाय हमजा के चक्कर में पड़ गई होती है और वो हमजा को अपनी मोहब्बत के जाल में करने की कोशिश करती है ताकि हमजा किसी तरह नवाल को छोड़कर मुझे पसंद करने लगे। लेकिन फलक की इतनी आसानी से दाल गलने वाली नहीं है। लेकिन फलक इतनी आसानी से हार मानने वाली कहाँ है। वो जरूर हमजा और नवाल के दरमियान ऐसी गलतफहमियां पैदा करेगी जिससे उनकी मंगनी भी टूट जाएगी और सूफिया आंटी भी नवाल से नफरत करने लगेंगी क्योंकि इस ड्रामे में असल एहसान मोश तो फलक ही है जिसको सुल्ताना ने इतने प्यार से रखा और इतनी इज्जत दी। वही अपनी बहन का घर बर्बाद करेगी। लेकिन फलक जो कुछ भी कर रही है आखिर में वो खुद कहीं की नहीं रहे।